ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਨ 9 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 36 ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਦੁਬਈ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨੋਜ ਚੁਰਸੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 178 ਬੰਦੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਜੀ, ਏਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈਗੀ। 178 ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਜੇ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਜਾਣੇ ਨੇ? ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਵਿੱਚ 25-30 ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊ। ਹੋਟਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕਈ ਹੋਟਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਟਲ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਦੀ ਉਹ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰ ਦੇਗਾ ਆਪਣੀ। ये दुबई से हमारे यहाँ फ़्लाइट आई है, रिपैट्रिएशन की पहली फ़्लाइट है जिसमें हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन आ रहे हैं, और करीब करीब 177 लोग इस फ़्लाइट में आने वाले हैं। कौन सी फ़्लाइट है? एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट। अपना नाम बताता जी। मेरा नाम कौन आ रहा है जी? मैं सुदीप गर्ग हूँ, मैं आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफ लॉयंस क्लब इंटरनेशनल, और एक बड़ा प्रशंसनीय कदम है कि मेरे बेटे को जो दुबई में फंसा हुआ था काफ़ी समय से, आई मीन ही इज इन जॉब, एक्चुअली इज इन रेगुलर जॉब, लेकिन अब वहाँ पे रहना थोड़ी दिक्कत है क्योंकि हजार्ड है एक ये, और उस समय पे डोमेस्टिक हेल्प वहाँ पे जितनी भी हैं विजिटिंग है, वो तो जो चाहे वो काम वाली है चाहे वो कुक है, वो सब विजिटिंग होते हैं, आते हैं अब जाते हैं, तो एक ये हजार्ड था उसके लिए। तो हमने एक ये सरकार से अपील करके, और ये हमारे बहुत बड़ी एक बात है कि हमें ये हमारे बेटे को यहाँ पे उन्होंने क्वारंटाइन में, वो घर में कन्फाइंड था, वो घर में कन्फाइंड था एक तरीके से, अपने आप को उसने क्वारंटाइन ही किया होता सेल्फ, और वो क्योंकि विजिटिंग था तो इसलिए कुक्स वगैरह को उसने रोक दिया था आने से, तो उसे खुद थोड़ा बहुत प्रिपेयर करता था या कहीं सेफ जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ से उनसे खाना मंगा के खाता भी था बड़ा प्रिकॉशन लेके, लेकिन ये उसके लिए फिर भी एक बड़ा दिक्कत वाली बात हो रही थी इस समय। ही इज अ सिंगल। कैसे कैसे कदम उठाया गया जहाँ तक वो पहुँचे हैं? ये उसने वहाँ पे एम्बेसी को रिपोर्ट किया था ये सारी चीज़ें, सारी अपनी प्रॉब्लम्स को, और उसके बाद उन्होंने ही एक उसकी सारा किया इंतज़ाम किया और वो यहाँ पे आ गए। गवर्नमेंट का कैसा कदम सोचते हो? मैं तो कहता हूँ ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम है, क्योंकि जहाँ पे सब जगह इस समय निराशा फैली हुई है, एक बहुत बड़ी आशा की किरण उन रिश्तेदारों के लिए, उन लोगों के लिए जो यहाँ इंडिया में अपने बच्चों को वेट कर रहे हैं, उनके लिए एक हमेशा आशा करते रहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे पास पहुँचे। आपको मिलने नहीं देगा तब, मिलने दिया जाएगा तब भी आप आए हो कैसे? जी वो एक ऐसा है कि क्योंकि काफ़ी समय हो गया था, तो मैं और मेरी मिसेज रेखा गर्ग हम दोनों ही लोग पठानकोट से चल के यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हमें पता है इसके बाद भी हमें नहीं मिलना दिया जाएगा, क्योंकि उसको फिर क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। ही विल बी स्टेइंग इन द होटल, अलॉटेड होटल कोरल रिजॉर्ट इन पठानकोट, तो हम ये देखना चाहते थे उसे, तो देखने के बाद हम अपनी गाड़ी से अलग चले जाएंगे जी। वो तो तकरीबन 4 साल से वो ओवरसीज ही काम कर रहा है, पर दुबई में तकरीबन 1.5 साल उसको हो चुके हैं। 4 साल के बाद आ रहे हैं? नहीं, वो तो 1.5 साल के बाद।